नमस्कार, मैं हूं राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर एनर्जी का फ्यूल खत्म हो जाए तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी को कई तरह की मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस डिसबैलेंस का शिकार हैं और इस डिसबैलेंस का एक मुख्य कारण है थायराइड प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, आजकल थायराइड प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ते खतरे पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा आयुर्वेद की दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत, जिनके एक्सटेंसिव रिसर्च और गहन अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा की दूरदृष्टि और समर्पण से जन्मा है आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्वेदा की खासियत है आयुर्वेदा मेडिसिंस, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिंस और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में आज हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में, और इसके बारे में हमें जानकारी देंगी आयुर्वेदा की एक और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रचना मेहता। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रचना मेहता का। डॉक्टर रचना, आपका केयरवेल के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर रचना, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि आखिर थायराइड है क्या और किस वजह से होता है? हमारे दिमाग से रिलेटेड कुछ डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेक्रीशंस हैं वो पूरे ब्लड में फ्लो होते हैं। तो थायराइड इज़ वन ऑफ दोज डक्टलेस ग्लैंड्स, जिसकी वजह से जिसका इम्बैलेंस अगर हो तो हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म में होता है, क्लासीफाई हो जाता है। आयुर्वेद में भी ये मेदो दृष्टि को करता है, मेदो व स्रोतस होता है, जिसमें मेद यानी फैट, सो इट एक्चुअली अटैक्स द फैट सेल्स। ओके, सो आइदर अगर हाइपर हो जाएगा तो वहाँ पर वेट लॉस होता है, मतलब मेदो स्रोत का ज्यादा मल बन रहा है, स्वेद ज्यादा बन रहा है, और अगर हम हाइपो में जाएंगे तो वेट गेन होता है, मतलब मेदो व स्रोत बराबर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस वजह से वहाँ पर फैट डिपोजिशन होता है और वेट गेन, अनड्यू अमाउंट ऑफ वेट गेन होता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में थायराइड के बारे में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर रचना, थायराइड जैसे कि आपने बताया कि हाइपर और हाइपो होते हैं, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में क्या रहता है? अलग अलग होता है? अलग तो होता ही है, और ये सबका जो कनेक्शन है वो मन व स्रोतस के साथ है। ये क्या? मन यानी माइंड। जी जी, माइंड से ये सारा कुछ रिलेटेड है। जी जी जी। सो द मोमेंट यू टेक स्ट्रेस, तो उसका इफेक्ट हाइपो या हाइपर जिस तरीके से भी हुआ, उसी के हिसाब से मेडिकेशन किया जाता है। एलोपैथिक में देयर इज अ सर्टेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और आयुर्वेदिक में भी आयुर्वेदा के हिसाब से हम जो करते हैं, वी नो द टारगेट ऑर्गन्स। टारगेट ऑर्गन्स हैं जैसे दिमाग, ब्रेन, बिल्कुल, लिवर पे इफेक्ट होता है, और ओवरऑल इम्यूनिटी पे इफेक्ट होता है, फटीग लगता है पेशेंट को, तो उससे पता चलता है कि इन लोगों इन तीन टारगेटेड ऑर्गन्स पे अगर हम जैसे तेजोविटा दे दिया ब्रेन के लिए, और लिवर के लिए जेनलिव जैसी दवाइयाँ दे दी जी, और बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा ऑयल, विच इज़ अ जनरल इम्यूनिटी बिल्डर प्लस डिटॉक्सिफायर। एग्जैक्टली, इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं अलॉन्ग विद डाइट, स्ट्रेस। कॉम्बिनेशन थेरेपी मींस व्हाट? मतलब दिमाग के लिए भी दे रहे हैं, लिवर के लिए भी। नहीं तो पेशेंट पूछ सकता है कि हमको थायराइड है, आप लिवर की दवा क्यों दे रहे हैं? एग्जैक्टली। सो बट इट इज़ अ टारगेटेड ऑर्गन, जो हमको पता चल रहा है कि इम्यूनिटी लो हो रही है, तो इसकी वजह से हमको लिवर पे भी दवा देना ज़रूरी है। जी, ये जी, नहीं जी. कि अगर आप सिर्फ स्ट्रेस का और डिस्ट्रेस करेंगे तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, तो फिर एलोपैथिक दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रचना, थायराइड आपने बताया कि किन कारणों से होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हेरिडिटरी भी होता है, तो अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड है तो क्या आपको ज़्यादा चांसेस हैं थायराइड होने के?
चांसेस तो हैं बीज दोष में आने के, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जी। क्योंकि अगर आपने दिनचर्या ऋतुचर्या जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे आजकल मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं अगर आपने ब्रश किया तो आपको दांत की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने खाना टाइम पे खाया तो एसिडिटी नहीं होगी, इसी तरीके से अगर आपका बल अच्छा है तो आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन करेगा और जो भी ग्लैंड्स ने सेक्रेशन करना है वो सही तरीके से करेगा। सो इट डजंट गो बाय रूल। लेकिन डॉक्टर रचना, जैसे एलोपैथी में इसका इलाज संभव है, उस तरह से लोग जनरली जल्दी जल्दी दवाओं पर विश्वास करते हैं, तो एलोपैथी में वो है, आयुर्वेदिक कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, छोड़ो। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है थायराइड के इलाज में आयुर्वेदा में? अगर हम डाइट, मेडिसिन, सारा लाइफस्टाइल प्लस आपका जो डी-स्ट्रेसिंग सब करते हैं तो 4 महीने के अंदर नॉर्मली फ्रॉम इट कैन रेंज फ्रॉम 3 वीक्स टू अहेड, तीन हफ्तों में भी आपको थोड़ा बहुत तो पता चलना शुरू होगा। नहीं है ये ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन क्या होता है, पीपल डोंट हैव पेशेंस। अगर हम थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो जैसे हर चीज में सहज पके सो मीठा होए वैसा हाल है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपको जरूर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, इफेक्ट ही इफेक्ट है। एग्जैक्टली। यहाँ पर डॉक्टर रचना, अगर बाय चांस कोई इंसान थायराइड प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एलोपैथिक दवा ले रहा है, अब वो आपके पास आता है आयुर्वेदा में, तो वहाँ पर क्या उसकी एलोपैथिक दवाएं बंद कर दी जाती हैं या फिर उसके साथ फिर आप मेडिसिन देते हैं? नहीं, हम साथ में ही देते हैं, क्योंकि क्या है, मैंने आपको एक बात कहनी है कि इंटरवेंशन कभी भी हम करते हैं, इन बिटवीन अगर हम कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम कोई भी चीज़ को बीच में नहीं रोक सकते। जो भी बॉडी में फिजियोलॉजी चल रही है उसको मॉड्यूलाइज करने के लिए जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसको कंटिन्यूएशन में रख के उसका डोज धीरे धीरे टेपर करते हैं, और जो भी डक्टलेस ग्लैंड्स के जो भी सेक्रेशंस हैं तो हम लोगों में आयुर्वेदा में और आयुर्वेदा में हम ये प्रचार करते हैं कि नासा द्वारा शिरम, मतलब जो भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं उसके साथ हमको नाक से भी जो दिमाग को स्ट्रेस जा रहा है, प्राण जा रहा है, दैट ऑल्सो हैज टू बी वेरी क्लियर। तो उस तरीके से हम डाइट के साथ साथ डी स्ट्रेसिंग ये सब जब हम बताते हैं तब जाके टोटली जब हम पिक्चर उसकी देखते हैं तब हमको पता चलता है कि ये थायराइड जो है वो कम या ज़्यादा करना है। Exactly. तो हम इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर वेट गेन हो रहा है तो साथ में एक्सरसाइज करना है और मेडिसिन भी लेना है, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी लेनी है जो आपके ग्लैंड्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ब्रेन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपके लिवर का एक्टिवेशन BMR ज़्यादा बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव वेट लॉस। एग्जैक्टली। डॉक्टर रचना, जैसे कि आपने ब्रेन से रिलेट किया थायराइड को, यहाँ पर कई सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो आज तक यही सोचते आते हैं कि नेक से रिलेटेड, हमारे थ्रोट से रिलेटेड होता है थायराइड, तो उसे आप किस तरह क्लियर करेंगे? जैसे हम हर चीज़ को कहीं ना कहीं उसका मूल स्थान बताते हैं, तो मूल स्थान के हिसाब से ब्रेन कहा गया है, बट जहाँ उसका जो उसका प्लेसमेंट या लोकेशन स्थान है वो गला है जी। तो ये एक एसोसिएटेड साइन है गले में जो भी तकलीफ दिखती है, क्योंकि वहाँ पर वो मौजूद है जी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको थ्रोट में ही हो, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपको थ्रोट में है तो आपको ब्रेन में उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। जी जी, आर ऑल रिलेटेड। दोस्तों, आज हमने आयुर्वेदा में बात की थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर हमसे कोई सवाल छूट गया है और वो प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप हमें बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225 RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2867-0380, 02-2867-0381, 09146-038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। डॉक्टर रचना, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और थायराइड रिलेटेड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर रचना द्वारा दी गई जानकारी का आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और आयुर्वेदा के जरिए आप अपनी जिंदगी को स्वस्थ बनाएंगे।
अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.